हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो 18th सेंचुरी वर्ड सटायर से रिलेटेड है। इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ वर्ड सटायर एज वेल एज द एग्जांपल्स ऑफ मेजर वर्ड सटायर। सबसे पहले 18th सेंचुरी के बारे में जानते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1700 टू 1800 इज कॉल्ड 18th सेंचुरी। 1700 से लेके 1800 तक का जो पीरियड है वो 18th सेंचुरी कहलाता है। In this span of time, we find two major periods in the history of English literature. और English literature के history में 18th century में दो major period हुए, जैसे कि the Augustan Age और the Age of Sensibility. जो Augustan Age था, जो 1700 से लेके 1745 तक रहा, इसको जो lead किए इस age में जो prominent writer थे वो Alexander Pope थे। वहीं जो दूसरा period है 18th century का, वो 1745 से लेके 1785 का है। और इस पीरियड को हम लोग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के रूप में जानते हैं, जिसमें सैमुअल जॉनसन मेजर राइटर के रूप में आते हैं। इन दिस टू मेजर पीरियड्स द अगस्तन एज, जो 1700 से लेके और 75 तक रहा, इज स्पेशली नोन फॉर वर्स सटायर। और यही जो पीरियड है 18th सेंचुरी का, यानी जो अगस्तन एज है, ये वर्स सटायर के रूप के लिए जाना जाता है। दो दिस एज इज समटाइम्स कॉल्ड एन एज ऑफ सटायर। इस एज को, यानी अगस्तन एज को, कभी कभी एज ऑफ सटायर भी कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल जेनर्स ऑफ लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। क्योंकि ये जो सटायर था, खास करके ना केवल वर्स सटायर, बल्कि सटायर नॉवेल में यूज होता था, सटायर फिक्शन में, सटायर एसे वगैरह, हर जगह समझे लिटरेचर का जितना जॉनर होता है उस सब में सटायर का यूज़ किया जा रहा था, खास करके अगस्तन पीरियड में या जो भी 18th सेंचुरी का पीरियड है उसमें। सो इसी के कारण अगस्तन पीरियड को कभी कभी एज ऑफ सटायर भी कहा जाता है। अभी हम लोग सटायर को समझते हैं। सटायर इज़ ए लिटरेरी आर्ट ऑफ डेरोगेटिंग और रेडिक्यूलिंग टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज द स्टूपिडिटीज, फॉलीज और वाइसेज ऑफ ए सब्जेक्ट और पीपल और सोसाइटी। सटायर एक लिटरेरी आर्ट है, एक टाइप का आर्ट है ये, जिसका यूज़ किया जाता है किसी को रिडिक्यूलिंग करने के लिए, मतलब किसी का उपहास उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज द स्टूपिडिटी, फॉलीज और वाइसेज ऑफ ए सब्जेक्ट। ये किसी एक सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या सोसाइटीज़ वगैरह हो सकता है, उस समय कोई राइटर हो सकते हैं, कोई एसेइस्ट हो सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास से कोई हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जिस पे व्यंग कसा जा सकता है, उनका मजाक उड़ाया जा सकता है उनके काम के लिए, उनके राइटिंग्स के लिए। तो इस टाइप के राइटिंग्स को सटायर कहते हैं। सटायर एज ए लिटरेरी आर्ट आर यूज्ड इन प्लेज, नॉवेल, फिक्शन, एसे, वर्सेस एज वेल एज अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। सटायर केवल पोइट्री में नहीं, बल्कि प्लेज में भी यूज होता है, ड्रामा में भी, नॉवेल में भी, फिक्शन में, एसेज, वर्स, साथ ही साथ जो अदर फॉर्म ऑफ आर्ट है उन सब में सटायर का यूज़ होता है। सम फेमस एग्जाम्पल ऑफ सटायरिकल वर्क्स आर फॉलोज। यहाँ आप कुछ फेमस सटायरिकल वर्क का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बेन जॉनसन का वोल्पोन, जो 1682 में आया, वो एक प्ले सटायर, मतलब सटायर तो है ही, लेकिन वो प्ले में यूज़ किया गया। वही जोनाथन स्विफ्ट का जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है, जो 1726 में आया, ये एक नॉवल है और ये भी एक सटायरिकल नॉवल है। अलेक्जेंडर पोप्स का द डंसियाड है, ये वर्स सटायर है। तो अभी हम लोग को केवल वर्स सटायर देखना है, जो कि 18th सेंचुरी में और खास करके अगस्तन एरा में जो वर्स सटायर है उनके बारे में पढ़ना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ जो सटायर है वो प्ले में भी आ सकता है, प्ले भी सटायर हो सकता है, एक फिक्शन भी हो सकता है, एक स्टोरी भी, एक नॉवेल भी, और पोएम भी सटायर हो सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे 18th सेंचुरी वर्स सटायर। ओके, सो द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज़ अ फेमस वर्स सटायर। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1712। अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक है, ये एक फेमस वर्स सटायर है जो 1712 में पब्लिश हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम, और इसे मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम के रूप में भी जाना जाता है। दिस पोएम सेटराइजेज द अपर क्लास इन द लंदन एट दैट टाइम। और ये जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, ये उस समय के लंदन में जो अपर क्लास थे उसको सेटराइज करता है, द स्टोरी ऑफ द पोएम फोकसेस ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा। और द रेप ऑफ द लॉक में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो बेलिंडा है, तो जो पूरा स्टोरी है इस पोएम का वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। हुज लॉक ऑफ द हेयर इज कट ऑफ
एट ए सोशल गैदरिंग, और एक सोशल गैदरिंग में उसके हेयर का लॉक काट दिया जाता है। पोप रोट द रेप ऑफ द लॉक इन रिस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट मेड बाय हिज फ्रेंड जॉन कार्लाइल। सो ये जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, वो एक रिक्वेस्ट पे पोप के एक फ्रेंड थे जॉन कार्लाइल, तो ये एक रिक्वेस्ट किए पोप को, तब जाके ये पोएम लिखा गया। ही एक्सप्लेन दैट हिज फ्रेंड लॉर्ड पीटर, इनके जो फ्रेंड है पोप के, वो आए और वो पोप को एक्सप्लेन किए कि उनका एक फ्रेंड है लॉर्ड पीटर, हैड कट ऑफ ए लॉक ऑफ अराबेला फॉरमोर्स हेयर, और लॉर्ड पीटर अराबेला फॉरमोर्स के हेयर के लॉक को काट दिए, जिसके कारण द फैमिलीज हैड बिन क्वारलिंग इन, और इसी के कारण क्या हुआ कि दोनों फैमिली में क्वारलिंग वगैरह होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इन ऑर्डर टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन पोप रोट दिस पोएम, और इस सिचुएशन को मतलब समझिए कि हम लोग के सामने लाने के लिए, जो उस समय का प्रॉब्लम था कटिंग ऑफ द लॉक, हेयर लॉक, तो ये कितना ज़्यादा सीरियस हो गया ये घटना कि दोनों फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इसको लाइट में लाने के लिए पोप इस पोएम को कंपोज किए थे। नेक्स्ट है द डंसियाड। द डंसियाड इज़ वन ऑफ द फेमस एग्जांपल्स ऑफ 18th सेंचुरी वर्स सटायर, और डंसियाड 18th सेंचुरी वर्स सटायर का एक फेमस एग्जांपल है। इट वाज आल्सो रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, और ये भी पोएम अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया, विच वाज पब्लिश्ड इन 1728। दिस वर्स सटायर इज़ अबाउट ए गॉडेस डलनेस, और ये जो वर्स सटायर है ये एक गॉडेस डलनेस के बारे में, एंड द प्रोग्रेस ऑफ हर चूजन एजेंट्स, और ये जो गॉडेस है डलनेस, वो कुछ एजेंट्स को चूज करती है, एंड हर एजेंट्स ब्रिंग्स डीके टेस्टलेसनेस एंड फुलिसनेस टू द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो ये जो गॉडेस है डलनेस, वो कुछ अपने एजेंट्स को हायर करती है, और उनका ये एजेंट्स किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में क्या लाता है, तो डीके लाता है, टेस्टलेसनेस लाता है और फुलिसनेस लाता है। तो डंसियाड उस समय के जो पब्लिकेशन हाउसेस थे, उस समय के जो राइटर्स थे, उस पर एक टाइप का ये समझिए कि सटायर है। नेक्स्ट जो पोएम है 18th सेंचुरी का, जो फेमस सटायर पोएम के रूप में आता है, वर्स सटायर के रूप में आता है, वो है द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनट। द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ 18th सेंचुरी वर्स सटायर। दिस एपिस्टल फॉर्म ऑफ वर्स सटायर वॉज ऑल्सो रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1735। और ये जो है द पिस्टल ऑफ डॉक्टर आर्बनट, वो 1735 में पब्लिश हुआ, ये इन एक लेटर के फॉर्म में है, और ये वर्स सटायर है। इन दिस पोएम पोप एड्रेस्ड हिज फ्रेंड डॉक्टर जॉन आर्बनट। इस पोएम में जो राइटर है यानी पोप, वो अपने एक फ्रेंड डॉक्टर जॉन आर्बनट को एड्रेस करते हैं, लेटर लिखते हैं, और जो कि पेशे से यानी जो जॉन आर्बनट है वो एक फिजिशियन है। दिस पोएम इज ए सटायरिकल अटैक ऑन वेरियस नोटेबल राइटर्स एंड फिगर्स ऑफ पोप्स टाइम लाइक जोसेफ एडिशन एंड जॉन हार्वी। ये पोएम एक सटायरिकल अटैक है उस समय के बहुत सारे नोटेबल राइटर पे, जो फेमस राइटर थे उस एरा के, पोप जिस टाइम में थे, द अगस्तन पीरियड, तो अगस्तन पीरियड में जो फेमस राइटर है थे उन पे पोप अपना सटायरिकल अटैक करते हैं, और ख़ास करके उसमें जोसेफ एडिशन जो कि एक फेमस इंग्लिश एसिस्ट थे, और जॉन हार्वी जो कि एक इंग्लिश कोर्टियर और पॉलिटिकल राइटर थे, तो इन दोनों पे अलेक्जेंडर पोप सटायरिकल अटैक करते हैं। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग 18th सेंचुरी वर्स सटायर। होप इट विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, मेकिंग नोट्स एंड असाइनमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।